नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। सो बच्चों, कैसे हैं आप? सो बच्चों, आशा करती हूँ आप खूब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, इतिहास को और सुंदर अच्छा बनाने के लिए और अपना जो योगदान दिया उसमें से पुरुष ही आगे नहीं थे, महिलाएं भी उसमें बहुत आगे थी। और उन्हीं आदर्श महिलाओं में एक महिला है जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। आइए इस पाठ के माध्यम से हम सरोजिनी नायडू के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पाठ का नाम पाठ 10, सरोजिनी नायडू। सो बच्चों, भारत के इतिहास को महान और स्मरणीय बनाने में जितना योगदान पुरुषों का रहा उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। उन्हीं महिलाओं में से एक थी भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, और उन्हीं का संक्षिप्त परिचय यहाँ कराया गया है। सो बच्चों, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद शहर में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी, ठीक है, कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, मतलब जो उनके फादर थे, उनके पिता थे, उनको कई भाषाएं आती थी। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला के साथ साथ संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन व रूसी भाषाओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उनकी माता श्रीमती वरदा सुंदरी धार्मिक संस्कार वाली महिला थी। सरोजिनी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता चाहते थे कि सरोजिनी गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने। क्या चाहते थे उनके पिता? कि वो एक गणितज्ञ बने या फिर एक वैज्ञानिक बने। परंतु सरोजिनी को तो कुछ और ही पसंद था। उन्हें बचपन से ही पुस्तकों से बहुत लगाव था। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मुक्त कंठ से परीक्षा प्रशंसा करने का मतलब है बहुत ही तारीफ उनकी कविताओं की हुई। फिर देखिए, इस प्रोत्साहन से उत्साहित होकर सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता, और इस कविता का नाम क्या है, कब लिखी? 13 वर्ष की उम्र में 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ द लेक की रचना की। एक छोटी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता रचे जाने से सभी लोग चकित थे। सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र और इतनी अच्छी कविता। सरोजिनी की इस विलक्षण, मतलब एक अद्भुत प्रतिभा, उनके जो टैलेंट था, प्रतिभा, उनका जो गुण था बच्चों, से प्रभावित होकर हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने छात्रवृत्ति उनको दी, उनको स्कॉलरशिप दी, और पढ़ने के लिए कहाँ भेजा बच्चों? इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। अब सरोजिनी वहाँ पर भी पढ़ाई के साथ साथ कविताएँ लिखती रही। वहीं से लौटने पर वे गोविंद राजुलू नायडू के साथ 2 सितंबर 1898 को विवाह सूत्र में बंध गई। सो देखा आपने, हमारी जो सरोजिनी नायडू हैं वो बचपन से ही कितनी होनहार थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखी, जिससे कि निज़ाम ने खुश होकर उन्हें आगे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेजा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गोविंद राजुलू नायडू के साथ 2 सितंबर 1898 को विवाह सूत्र में बंध गई। अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद भी उनकी लेखनी चलती रही, मतलब वो अपने कविताएं लिखती रही। उनकी कविताओं की पहली पुस्तक कौन सी थी बच्चों? उनकी पहली कविता की पुस्तक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से प्रकाशित हुई, और इस पुस्तक की ख्याति चारों तरफ, ख्याति का मतलब है बच्चों उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में सब जानने लगे, सब लोग समझने लगे उस बुक को, चारों तरफ उसके जो बुक थी उसके बारे में सबको पता चला, वो बहुत ही पुस्तक प्रसिद्ध हुई। सन 1909 में सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आई। उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आज़ादी के लिए जब हम लड़ाई कर रहे थे, लोग देश को आज़ाद करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। गोखले जी ने सरोजिनी को स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। बस फिर क्या था, वे स्वतंत्रता आंदोलन में
कूद पड़ी। उनकी वाणी में गजब का ओज, ओज वह मिठास थी, ओज मतलब एक तेज जो सामने वाले को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित कर सकता है। और वे जब बोलती थी तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, मतलब उनको जब वो बोलती थी तो लोग खो जाते थे और उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। इसी कारण उन्हें भारत कोकिला, क्या कहा गया है बच्चों, भारत कोकिला। की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1914 में भारत में वे गांधी जी से भी मिली और 1916 में वे पंडित नेहरू से भी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में उतर पड़ी। उन्होंने गीतों से जनमानस में स्वतंत्रता की अलग जगह ही, मतलब उनके जो गीत थे वो लोगों को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए महिलाओं का आह्वान किया। आह्वान किया मतलब उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, पर्दा हटाकर खुले में देश की सेवा करो। ये किसने कहा, सरोजिनी नायडू ने। जागो, उठो और स्त्रियों के प्रति की गई गलतियों को सुधारो। उनकी योग्यता ऐसी थी कि गांधी जी भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। सो बच्चों, गांधी जी, नेहरू जी और सभी उनकी बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे हैं। तो और जानते हैं, सो बच्चों, सन 1925 में जब कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सर्वसम्मति मतलब सभी की सलाह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा वे चुनी गई। यह पद प्राप्त करने वाली वे भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उन्हें चुना गया। 1930 में नमक सत्याग्रह, और नमक सत्याग्रह कब हुआ बच्चों, 1930 में, और 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल भी गई। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाला। वे भारत की स्वतंत्र, जब वो उत्तर प्रदेश की वो पहली राज्यपाल भी बनी। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने अपने अंतिम समय तक कुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और सरोजनी अब हमारे बीच नहीं है, परंतु वे अपनी कविताओं के माध्यम से आज भी जनमानस के बीच में हैं और अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद की जाएंगी। सो बच्चों, देश सेवा में समर्पित व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देना इस पाठ का मेन उद्देश्य रहा है। सो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सरोजिनी नायडू ने अपने स्वरों से, अपनी कविताओं से हमारे जो स्वतंत्र भारत की सेवा की और लोगों में जागृति, लोगों को भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए भी जागरूक किया। तो स्वर कोकिला जो हमारी सरोजिनी नायडू रही हैं, हमेशा हम सबके लिए एक प्रेरणा बनी रही। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब करते हैं हम अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आता है बच्चों शब्दार्थ। यहाँ देखेंगे हम शब्दों के अर्थ। पहला देखिए, ज्ञाता, जानकार, जिसको जानकारी होती है। प्रोत्साहन, आगे बढ़ना। छात्रवृत्ति होती है वजीफा। स्वतंत्रता, आजादी, गजब, अनोखा। मंत्रमुग्ध, आकर्षित। सर्वसम्मति, सबकी अनुमति से। मुक्त कंठ, खुले गले से। विलक्षण मतलब दुर्लभ, विलक्षण। ख्याति, प्रसिद्धि। वाणी, आवाज। ओज मतलब होता है तेज। उपाधि, पदवी, जनमानस, लोगों में। वर्तनी के लिए देखेंगे बच्चों हम हिंदी, हिंदी आधा न लिया है। गोविंद, इसमें भी आधा न। गांधी, इसमें भी आधा न। महत्वपूर्ण, अब हम दो बार आधा त लगाते हैं, लेकिन हम पहले कैसे लिखते थे, आधा त ही लिखते थे, महत्वपूर्ण होता था, ठीक है। सुंदरी, इसमें भी सुंदरी, ठीक है, वो हम दोनों में ऐसे लिखते थे। सितंबर, पहले हम आधा मय लेते थे। स्वतंत्रता, आधा न। कंठ, अण यूज़ करते थे, लेकिन अब हम नहीं प्रयोग में करते। पसंद, पसंद, आधा न। संपर्क, संपर्क, आधा म है, जो कि हम अभी प्रयोग में नहीं करते। आंदोलन, आंदोलन। द्वारा, द्वारा, आधा व नीचे लगा हुआ है, ठीक है। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध, आधा न। और आह्वान, आह्वान,
ठीक है, यहाँ पर देखिए ह में नीचे व जुड़ा हुआ, लेकिन हम अब कैसे लिखते हैं, ह के नीचे हर अंत लगाकर। बच्चों देखिए आगे शब्द अंग्रेजी, अरबी और फारसी का शब्द है, निज़ाम उर्दू, आज़ाद अरबी और गज़ब उर्दू शब्द है। आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, पहले प्रश्न के चार विकल्प हैं, हमें सही तो चुनना है। सरोजिनी नायडू के पिता का नाम क्या था बच्चों? तो डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी, पहले का आएगा सी। दूसरा देखिए, सरोजिनी की माता का नाम क्या था बच्चों? सो वर्धा, ठीक है, उनका नाम था वर्धा, तो बी वाला इसका सही होगा। थर्ड देखिए बच्चों, सरोजिनी ने अपनी पहली कविता कब लिखी, 11 वर्ष की उम्र में या 12 वर्ष की उम्र में, चेक करते हैं। ग्यारह वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, 11 वर्ष की उम्र में, को ग का आ जाएगा पहला। फिर देखिए, सरोजनी का विवाह किसके साथ हुआ बच्चों? तो गोविंद राजुलू नायडू से हुआ, सो घ का हो जाएगा पहला। ठीक है बच्चों, फिर से देख सकते हैं, पहला डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी, वर्धा 11 वर्ष की उम्र में, सरोज गोविंद राजुलू नायडू। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हमारे सामने आप खालिस्तान, खालिस्तान में आपको उच्च शब्द इस पंक्ति के अंदर भरना है। ठीक है, पहला देखिए, डॉक्टर अघोरनाथ चटर्जी कई डैश के ज्ञाता थे। ठीक है, तो किसके ज्ञाता थे बच्चों? तो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, किसके थे वो ज्ञाता? कई भाषाओं के ज्ञाता थे वो। तो हम यहाँ लिखेंगे भाषाएं। फिर देखिए, सरोजनी अपने भाई बहनों में सबसे कौन से नंबर की थी, वो सबसे बड़ी थी। फिर देखिए, हैदराबाद के निजाम ने उन्हें कहाँ देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, क्या दिया उन्होंने? उन्होंने दी उन्हें छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद भी उनकी डैश चलती रही, क्या चलती रही बच्चे? उनकी कलम, उनकी कलम चलती रही। पूरे समय देश में डैश आंदोलन हो रहे थे, किसके आंदोलन हो रहे थे बच्चों? स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे। पूरे देश उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं, एक शब्द में आपको उत्तर चुनना है। सरोजिनी नायडू के पिता उन्हें क्या बनाना चाहते थे? सो वैज्ञानिक या गणितज्ञ था, एक बार और देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, क्या चाहते थे वो? गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने। हम यहाँ लिखें गणितज्ञ, गणितज्ञ, या हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों, फिर द लेडी ऑफ द लेक की रचयिता कौन थी? सरोजिनी नायडू, तो हम यहाँ लिखेंगे सरोजिनी, सरोजिनी नायडू। ठीक है,
आगे देखिए, सरोजिनी नायडू को स्वतंत्रता भारत में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया? देखते हैं एक बार। यहाँ देख लिए बच्चों, गोखले जी ने सरोजनी को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सो हम लिखेंगे गोखले जी। ठीक है बच्चों, ग का आएगा गोखले जी ने। आगे देखिए, सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी बच्चों? सो वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार उन्होंने संभाला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, देख लीजिए आप, गणितज्ञ वैज्ञानिक सरोजनी नायडू, गोखले जी और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, सरोजनी का जन्म, एक बार देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, सरोजनी का जन्म चेक करते हैं। सेवेंटी नाइन, 1879। ये सरोजनी का जन्म, सरोजनी का विवाह देखते हैं। दो सितंबर 1998 में, 98। तो ये सरोजनी का विवाह हो गया। ठीक है, सरोजनी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। यहाँ देखिए, 1902 में सरोजनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले से मिली, तो हम ये लगाएंगे 1902। ठीक है, फिर देखिए आप लोग, सत्याग्रह 1930। ठीक है, आपने देखा। फिर देखिए, सरोजनी अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बच्चों बिल्कुल गलत है, सरोजनी पिता के पिता उन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही, सरोजनी को बचपन से ही पुस्तकों से बहुत लगाव था। ये देखते हैं एक बार। यहाँ दिया है, देखिए जी, पुस्तकों से बहुत लगाव था। तो ये बिल्कुल सही है, द लेडी ऑफ द लेक 300 पंक्तियाँ उस कविता में थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1998 में विवाह के सूत्र में बंधी, ये बिल्कुल सही है। सो इस तरह से हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। आप पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।